हेलो दोस्तों, सैमसंग के मोबाइल में आप सभी को एक ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है जिससे दोस्तों बहुत सारे फ्रेंड बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। दोस्तों जैसे ही आप अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन को स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में आपको बार बार एक नोटिफिकेशन आता रहता है, यूएसबी कनेक्टर कनेक्टेड, यूएसबी कनेक्टर डिसकनेक्टेड। इस तरह से दोस्तों आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। चाहे दोस्तों आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को ऑफ भी कर देते हैं फिर भी दोस्तों ये होम स्क्रीन पर शो होता रहता है, नोटिफिकेशन बार बार आता रहता है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके सैमसंग के मोबाइल में आ चुकी है तो आज की इस वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी आपने मिस नहीं करना है। दो ऐसी सेटिंग दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जिसको करने के बाद दोस्तों आपकी ये प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाएगी। चाहे दोस्तों आप सैमसंग का कोई भी मोबाइल यूज करते हैं सभी में दोस्तों ये सेटिंग्स काम करेंगी। तो पहले नंबर पर दोस्तों आपने क्या करना है, अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करते चले जाना है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऐप्स नाम की ऑप्शन देखने को मिलेगी जो कि ऑलमोस्ट सैमसंग के सभी डिवाइस में होती है, तो आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ऊपर की ओर दोस्तों आपको एक सर्च का आइकन देखने को मिल रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों योर ऐप्स के सामने एक ऑप्शन देखने को मिल रही है, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर शो सिस्टम ऐप्स पर दोस्तों ये ऑप्शन देखने को मिल रही है, इसको अनेबल करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपने एक सर्च करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, यूएसबी सेटिंग्स। इस तरह से दोस्तों आपने सर्च करना है, यहाँ पर आपको ये मतलब कि सिस्टम का एप्लीकेशन शो हो जाएगा यूएसबी सेटिंग्स का, तो यहाँ पर आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों जो काम मैं आपको बताने वाला हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से कर देना है। यहाँ पर स्टोरेज की ऑप्शन देखने को मिल रही है, स्टोरेज की ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबसे पहले दोस्तों इसका आपने क्लियर कैचे करना है और दोबारा दोस्तों यहाँ पर क्लियर डाटा की ऑप्शन देखने को मिली है, दोनों को दोस्तों आपने उड़ा देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपका नोटिफिकेशन ऑलमोस्ट, अगर इस सेटिंग्स को आप कर लेते हैं तो यहाँ से दोस्तों ऑलमोस्ट आपका ये नोटिफिकेशन गैप हो जाएगा। अब दोस्तों बहुत सारे मोबाइल में ये सेटिंग काम नहीं करती है, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से बैक आ जाना है। एक और सेटिंग दोस्तों अपने मोबाइल में आपने करनी है, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। सबसे लास्ट में दोस्तों आपको डेवलपर ऑप्शन की ऑप्शन देखने को मिलती है। अगर आपके मोबाइल में यहाँ पर नीचे शो नहीं हो रही है तो आपने दोस्तों बिल्कुल भी नहीं घबराना है। सबसे लास्ट में आपको अबाउट फोन की ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, तो आपने इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन की ऑप्शन देखने को मिल रही है, इस पर दोस्तों आपने क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपके मोबाइल का बुलेट नंबर देखने को मिलता है, इसी पर दोस्तों आपने 5 से 6 बार प्रेस करना है। इसके बाद दोस्तों जो भी आपके मोबाइल का पैटर्न पासवर्ड है यहाँ पर आपने दे देना है। इसके बाद दोस्तों सबसे लास्ट में आपको डेवलपर ऑप्शन की ऑप्शन देखने को मिल जाती है, अनेबल हो जाती है। अब क्या करना है, आपने इसी ऑप्शन के अंदर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं जो सेटिंग बताने वाला हूं उनको बिल्कुल ध्यान से करना। यहां पर आपने नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आपको यहां पर एक सेटिंग देखने को मिलती है, यूएसबी डबिंग। अगर आपके मोबाइल में दोस्तों ये अनेबल रहती है तो तुरंत दोस्तों आपने इसको ऑफ कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपने अपने मोबाइल में एक और इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को करना है। इसके लिए दोस्तों नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करते चले जाना है। डिफ़ॉल्ट यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन की आपको एक सेटिंग देखने को मिल रही है, इसी के अंदर आपने क्लिक करना है। दोस्तों ये सेटिंग्स आप सभी के मोबाइल में गलत हो जाती है। होता क्या है कि दोस्तों कई बार आप डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो ट्रांसफरिंग फाइल हो जाती है, या दोस्तों यूएसबी थेथरिंग हो जाता है, या ट्रांसफरिंग इमेजेस हो जाता है। ये दोस्तों गलत हो जाता है तब दोस्तों जब आप लैपटॉप से यूएसबी कनेक्टेड करते हैं, या दोस्तों किसी के मोबाइल से आप कोई मूवी पिक्चर दोस्तों ट्रांसफ़र करते हैं तब दोस्तों आपके मोबाइल में ये प्रॉब्लम आती है। तो आपने क्या करना है, इन सभी को हटाकर चार्जिंग फोन ओनली को सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों आपने एक और काम करना है, यहाँ से सबसे पहले बैक आना है और अपने मोबाइल को दोस्तों क्या करना है कि पावर ऑफ कर दोबारा से दोस्तों रीस्टार्ट करना है। इस तरह से करने के बाद दोस्तों आपकी जो ये प्रॉब्लम आई हुई है ये 100% ठीक हो जाएगी। अगर दोस्तों आपके मोबाइल में कोई ऐसी टेक्निकल इशू होगा तो वो परमानेंटली ठीक हो जाएगा। अगर आपके मोबाइल में कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम आई है तो दोस्तों ये टेक्निक आपके मोबाइल में काम नहीं करेगी, आपको दोस्तों सर्विस सेंटर जाकर ही अपने मोबाइल को रिपेयर करवाना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कर देना ताकि दोस्तों उनकी भी हेल्प हो सके।